देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि हमें डिग्री मेजर में चेंज करना है रेडियन को, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारा थीटा दिया हुआ है 11/16 रेडियन, और आपसे कह रहा है चेंज इनटू डिग्री। मैंने आपसे कहा है अगर आपको डिग्री में चेंज करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाई 180 बाई पाई। हाँ भाई बताया ना मैंने आपको, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा यस बेटे सर 11/16 रेडियन इज इक्वल टू 11/16 इंटू 180 बाई पाई डिग्री। ये बस आंसर है मेरा। अब यहाँ पे हम पाई की वैल्यू रख सकते हैं, जब हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हम पाई को रख सकते हैं 22/7। तो 11/16 इंटू 180 अपॉन 22 इंटू 7। समझ में आ रहा है सर मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं? यस सर ठीक है, 11 से कैंसिल करो 2, 2 से कैंसिल करो 90, 16 को कैंसिल करो 4 से कितना आएगा सर, 4 जा, और 4 से कितना आएगा सर, हाँ भाई 4 से तो कैंसिल नहीं होगा, ये 2 से होगा, 2 8 जा, और 2 से कितना 45, तो कितना आ गया सर 45, 7 जा, 7 5 जा 35, 3 315, और ये कितना आ गया सर 8। बात समझ में आई क्या? यस सर 315 बाई 8 डिग्री। बट यहां थोड़ा सा आगे समझ लीजिए सब बच्चे, अगर 315 को 8 से डिवाइड करते हैं, बेटे ध्यान से समझ लीजिए, बाद में तो हम डायरेक्ट कर लिया करेंगे, तो 8 से डिवाइड करिए, 8 3 जा 24, 75, 8 9 जा 72, 3 ये आया डिग्री, ये आया डिग्री। अब आगे अगर हमें टेबल चलाना हो तो यहाँ डेसिमल नहीं है कि पॉइंट लगाएंगे और जीरो ले लेंगे, इट इज नॉट डेसिमल सिस्टम, ये एंगल है हमारा डिग्री और रेडियन में। तो हम क्या करते हैं, हम इस 3 डिग्री को मिनट में चेंज कर लेंगे। कोई बच्चा बताएगा 3 डिग्री में कितने मिनट होंगे, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? वन दो। एट्टी शाबाश, 60 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मिनट हो जाएंगे। तो अब जो टेबल चलेगा वो मिनट्स पे चलेगा, चलाओ 8 से, 8 2 जा 16, 20, अगेन 8 2 जा 16, तो यहाँ आ गया 4। तो ये हमारे पास 4 मिनट आया, प्लीज ध्यान से देख लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये हमारा आ गया 22 मिनट। अब आगे अगर हम करना चाहें तो सेकंड्स में करेंगे, मिनट को 6 सेकंड्स में करो, 4 मिनट में कितने सेकंड, 60 से मल्टीप्लाई करो, इसमें सोचना थोड़ा ही है, 240 सेकंड्स, तो 8 3 जा 24, फर्दर जीरो, जीरो टाइम टेबल चलाओ तो जीरो आ गया। अब बताओ कितना आंसर आया, 39 डिग्री 22। 22 मिनट 30 सेकंड। सबको समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर आ गई। यस सर यस सर अभी सबको, अदीबा यस सर समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? यस सर आ रहा। बस खत्म, क्वेश्चन भी खत्म, चैप्टर एक्सरसाइज भी खत्म, आगे तो कुछ करना नहीं था। देखो कितने छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बेवकूफ बना रहा है आपका और आप बनते रहो बस। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, आपसे क्या कह रहा है बेटे, ये रिकॉर्ड वगैरह मैं भेज दूंगा, पीडीएफ भी भेज दूंगा, तो ज्यादा टेंशन ना लो, बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करो थोड़ा सा। आपसे कह रहा है व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, इन 1 मिनट जो कह रहा है वो लिख लो, आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस 360, ठीक है, तो हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने रेडियन ये टर्न करेगा। तो पहले तो हम ये ले लेते हैं कि 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन बनाएगा, इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। बताओ अगर 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन थे तो 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन होंगे, सिक्स। सिक्स कैसे किया आपने, 360/60, यस और नो? कर लिया था। ठीक है भाई, तो 6 राउंड लेगा, अगर 1 मिनट में 360 राउंड है तो 1 सेकंड में 6 राउंड होंगे, यस और नो? यस सर। अब मुझे बताओ एक रेड उसमें रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनाता है, इन वन रिवॉल्यूशन, इन वन रिवॉल्यूशन एंगल हमारा कितना होता है, डिग्री में 360 होता है,
डिग्री में 360 होता है बट मुझे रेडियन में चाहिए 2 पाई हाउ मेनी रेडियंस तो 2 पाई रेडियन यस और नो यस सर तो इन 6 रिवॉल्यूशन कितना एंगल होगा 12 रेडियन 12 पाई रेडियन बेटे ध्यान रखना हां भाई समझ में आ गई बात या नहीं आई यस सर दैट्स इट एक क्वेश्चन और देखो फिर पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगा देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो मैंने आपसे तीन चीजें कही है याद रखने को बस वही रेडियन से डिग्री डिग्री से रेडियन एंड थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर सिर्फ इतना ही याद रखना है देखो बताओ जल्दी से इसको हाँ भाई बताओ सब बच्चे फाइंड द डिग्री मेजर Find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 cm by an arc of length 22. बताओ, आपसे कह रहा find the degree measure of the angle. तो मुझे थीटा चाहिए, थीटा लेकिन डिग्री में चाहिए. Subtended at the center of a circle of radius. Radius कितना दिया हुआ है? 100 cm. और उसकी arc की length कितनी दी हुई है? 22 cm. इन तीनों में रिलेशन क्या होता है थीटा इज इक्वल टू l upon r 22 बाय 100 बट ये आंसर किस में आया होगा डिग्री में या रेडियन में ये आंसर हमेशा रेडियन में आएगा ये जब भी है फॉर्म तो लेकिन मुझे चाहिए डिग्री फाइंड द डिग्री मेजर तो इसको डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसे सिंपलीफाई कर दो आंसर आ जाएगा 22 बाय 100 180 22 बाय 7 तो 22 0 0 9 5 सब बच्चे ध्यान से देखो जरा 9 7 जा कितना होता है 63 बाय 5 से अगर मैं डिवाइड करूं सब थोड़ा सा ध्यान से 5 से अगर डिवाइड करूं तो कितना आएगा कितना आएगा 12 डिग्री पॉइंट नहीं आना यहाँ पे कितना डिग्री बचा yes, हमारा हमारा कितना डिग्री बचा अभी अरे बोला ना सर 3 3 डिग्री 3 को मिनट में चेंज करो 3 × 60 कितना हो गया 180 को 5 से डिवाइड करो 5 × 3 = 15 5 × 6 = 36 मिनट समझ में आया या नहीं आया Yes, जैसे sir. हम पहले डिवाइड कर रहे थे वैसे करने की जरूरत नहीं है अगर थोड़ा सा भी समझ लेंगे तो आ जाएगा तो 12 डिग्री 36 मिनट आंसर है यस और नो यस सर खत्म तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें ये तीन क्वेश्चन और रह गए हैं आप लोग ट्राई करेंगे और तीनों क्वेश्चन बस इसी पे हैं थीटा इज इक्वल्स टू एस बाय आर या डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में चेंज करने में इधर देख लो सब बच्चे ये क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन नंबर 5 नजर आ रहा नहीं रहा इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर दिया हुआ है 40 तो रेडियस मिल जाएगा लेंथ ऑफ कोर्ड दिया हुआ है 20 तो एंगल मिल जाएगा फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ये हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 एंगल दिया हुआ है आर्क दिया हुआ है रेडियाई निकालो क्वेश्चन नंबर 7 आपको लेंथ यानी कि एल दिया हुआ है और एस दिया हुआ है और आर दिया हुआ है तो थीटा निकालो कर लेंगे यस सर आओ जी अब एक नई चीज यस सर ठीक है एक नई चीज सीखो जी